अब बात करेंगे उल्लासनगर के सब्जी मंडी की, जहां अनधिकृत निर्माण के चलते बनाए गए जो निर्माण कार्य थे उस पर मनपा का हथौड़ा चला है। मनपा की इस तोड़क कार्रवाई से सभी सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। उल्लासनगर मनपा के सहायक आयुक्त गणेश सिंपी की टीम ने कैंप क्रमांक 4 में स्थित सब्जी मंडी पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद पूरे रास्ते को लोगों के लिए फ्री कर दिया गया। मनपा का आरोप है कि अवैध तरीके से लोगों ने सड़कों पर एंक्रोचमेंट कर लिया था, जिससे वाहनों के साथ साथ आम राहगीरों के लिए भी चलना दूभर हो गया था, और इसकी शिकायतें लगातार मनपा के पास आ रही थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मनपा ने पहले इस इलाके का निरीक्षण किया और उसके बाद यहां तोड़क कार्रवाई की प्रक्रिया को अंजाम दिया। आपको बता दें, सब्जी मंडी के कारण कभी यहां ट्रैफिक हुआ करती थी और इसी को लेकर मनपा ने इस कार्रवाई की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। सब्जी मार्केट था, वो टेम्पररी वहाँ पे रखा गया था। जब से कोरोना चालू है तब से वो बंद ही था, 4 महीने से। तो वो मार्केट बंद था, लेकिन वहाँ पे जो भाजी वालों के स्टॉल थे और शेड थे वो वहीं पे थे। उसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता था, लोगों को आने जाने को बहुत तकलीफ होती थी। तो उसके लिए वो जो खाली पड़े हुए स्टॉल और जो शेड थे, वो शेड आज महापालिका की तरफ से हटाए गए हैं और जो रोड था वो खुला कर दिया गया है, ताकि ट्रैफिक जाम मेन रोड पे ना हो, इंटरनल रोड से ट्रैफिक मुड़ जाए, इसके लिए वहाँ पे महापालिका ने कार्रवाई की। आज सर कोरोना के काल में महानगर पालिका ने सब्जी वाले को रोड के ऊपर स्टॉल लगाने की अनुमति दी थी, और अभी वो वहीं पे है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, अभी सब दुकान खुल गए हैं। पहले भाजी मार्केट बंद था कोरोना के टाइम पे, मतलब लोगों को तकलीफ होती थी, इसलिए महापालिका ने कुछ जगह पे लोगों को बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन अभी सब मार्केट खुल गए हैं, सब दुकान भी चालू है, तो वो जो है वो अपने आप कैंसिल हो गया जो परमिशन दिया था, तो वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी।